हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, हम लोग आ गए हैं चतरा, और ये मेन रोड है जो कि रामगढ़ और पन्नूगंज रोड पे निकाल देगी और पन्नूगंज से बिहार। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको रूबरू कराऊंगा राजू मूर्ति कला केंद्र, जो कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये अभी देखिए मूर्ति बन के तैयार है, बट ये जो मूर्ति है अभी अधूरी है, अभी पेंटिंग नहीं हुई है, जैसा कि देख रहे हैं ये। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको ले चलता हूँ। आइए फ्रेंड्स, आप सब जानते ही हैं कि दुर्गा पूजा महोत्सव स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी धूमधाम से अपने भारत वर्ष में मनाया जाता है, अपने भारत देश में मनाया जाता है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए गणेश भगवान की प्रतिमा है जो बनके तैयार है, और इसमें अभी उनको कपड़ा वगैरह पहनाया जा रहा है और पेंटिंग वेंटिंग की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे गणेश भगवान, जो भाई हैं, और ये दादू भाई बनाते हैं और पेंटिंग पेंटिंग सारा काम करते हैं। आइए ले चलते हैं आपको अंदर, जहाँ पे दुर्गा माँ की प्रतिमा रखी हुई है, मूर्तियाँ रखी हुई हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही जानदार होने वाली है, शानदार होने वाली है। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग आ गए हैं गोदाम में, और ये भी मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट मूर्ति है, कम्प्लीट मूर्ति है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाल वगैरह इनके बनाने हैं, और जो भी थोड़े से श्रृंगार के चीज़ें हैं वो भी श्रृंगार करना बाकी है, अभी अधूरा है। और ये चतरा में ही पड़ता है, और ये देखिए ये भी एक कम्प्लीट ही मूर्ति है, जो कि भी मुझे लगता है श्रृंगार सारे हो गए हैं, बाल लगाने बाकी हैं। सो फ्रेंड्स, आइए आप सबको हम दिखाते हैं जो कंप्लीट मूर्ति है दुर्गा माँ की मूर्ति है, ये कंप्लीट मूर्ति है और गजब की कलाकृति है, गजब की कला कारीगरी है। देख रहे हैं, जैसे लग रहा है साक्षात दुर्गा माँ उतर गई हो, और दाद देनी पड़ेगी अपने राजू भाई की। राजू भाई जी, सो फ्रेंड्स आइए राजू भाई से मिलवाते हैं, जिन्होंने ये इस कारीगरी को अंजाम दिया है, और ये हमारे राजू भाई हैं। और राजू भाई, गजब की कारीगरी है आपकी, कुछ जरा सा हम लोग को बताएंगे, हमारे YouTube फैमिली को जरा सा आप ओवरव्यू बताइएगा, कैसे आप कैसे बनाते हैं और कैसे आपके दिमाग में आया कि हम लोग यहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्तियों को बनाएं और बना के यहाँ से सेल आउट किया जाए। एक छोटा सा इनकम का जरिया आपने कैसे बनाया और कैसे दिमाग में आया, और ये कहाँ से सीखा आपने इतनी जबरदस्त तरीके जैसा बता। राजू भाई चंदर ऐसे आओ इधर। तो राजू भाई जरा सा आप हम लोग को और हमारे YouTube फैमिली को एक्सप्लेन करिएगा कैसे आया भाई, बताइएगा। जब हम 8 साल के थे उस टाइम काफी हम मूर्ति हमारे यहाँ पे बनता था, पहले वो हमारे जो उनके यहाँ सीखे हैं गुरु जी हैं वो आते थे शक्ति नगर से, तो उनको देखते थे हम बनाते हुए, तो हमको काफी अच्छा लगता था। तो अपने मन में भी लगा कि हम भी एक दिन ये काम करें, और हमने करने का कोशिश किया जी, और इसे सीखा। हाँ, उन्हीं से हमने सीखा है। तो इसे सीखने में आपको कितना टाइम लगा? 5-6 साल लगे आपको, और वैसे कमाल की आपकी कारीगरी है। 5-6 साल हमने काफी रियाज किया, और हमारे जो भाई हैं घर के, तो हमसे छोटे हैं, उन्होंने काफी हमारा हेल्प किया। अच्छा अच्छा अच्छा, राजू भाई ये बताइएगा, मूर्तियाँ आप ही बनाते हैं अपने हाथों से जी, और ये मिट्टी साधारण मिट्टी यूज होती है कि अलग से मिट्टी, कोई अलग मिट्टी आती है इनकी? मिट्टी तो अलग होती है, अलग मिट्टी आती है। और जो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये दुर्गा माँ की प्रतिमा है, और जो श्रृंगार किया है, श्रृंगार क्या आपने किया है जी? अच्छा, श्रृंगार तो काफी लाजवाब है, और तारीफ जितनी की जाए कम है। पेंटिंग भी अपना है, पेंटिंग भी आपने किया है जी। वाह भाई। सो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं, ये राजू भाई हमारे हैं, और जितनी ये राजू भाई का ये गोदाम है, और जितनी भी मूर्तियां पड़ी हुई हैं आप देख रहे हैं, जितनी भी मूर्तियां पड़ी हुई हैं ये राजू भाई ने ही बनाया हुआ है, और राजू भाई के छोटे भाई ने योगदान दिया है, घुमा के दिखती है, राजू भाई के छोटे भाई ने योगदान दिया है। और जितना कि आप देख रहे हैं, जितना भी तारीफ किया जाए
तारीफ कम है। सो फ्रेंड, अगर मूर्ति लेना, किसी प्रकार की मूर्ति लेना चाहता है तो वो हमारे राजू भाई के यहाँ आके चतरा में, राजू भाई देख रहे हैं, ये हमारे राजू भाई हैं, और इनसे संपर्क करके चीप रेट में आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।